हेलो गाइस, वेलकम टू बायक्यूल्स। आज हम क्लास 11 की एनसीईआरटी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जब हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो हमने बचपन से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से हम उस फूड को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है ताकि क्या हो, एनर्जी रिलीज हो। ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए? ताकि बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है वो अच्छी तरह हो पाए। अब इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि CO2 प्रोड्यूस होती है, बट CO2 हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ये ज़रूरी है कि CO2 क्या हो, बॉडी से रिलीज हो। तो मतलब क्या है कि बॉडी के हर एक सेल को कंटिन्यूसली O2 प्रोवाइड की जाए और CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो, रिलीज हो। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। मतलब कि जो CO2 रिच एयर होती है उसको हम एक्सहेल करते हैं और O2 रिच एयर जो होती है उसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ब्रीथिंग क्या है, एक रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का वो क्या करता है, डिफर करता है। कैसे, किस चीज़ पे ये मैकेनिज्म डिपेंड करता है? उनके हैबिटेट पे और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनमें ऐसे ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, तो उनमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन कुछ और होगा। ऑन द अदर हैंड जो हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे हम ह्यूमंस हैं या मैमल्स हैं या कोई भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें क्या होगा, अलग मैकेनिज्म होगा। चलो तो ये मैकेनिज्म को हम पढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्पॉन्जिस की, सीलेंट्रेट की, फ्लैटवर्म की, इनमें क्या होगा, जो एक्सचेंज होगा गैसेस का वो क्या होगा, सिंपल डिफ्यूज़न से होगा। डिफ्यूज़न क्या का मतलब आपको पता होगा, डिफ्यूज़न का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस या एयर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इनमें क्या होगा, डिफ्यूज़न से होगा। अगर मैं बात करूँ अर्थवर्म की, अर्थवर्म जो कि एनालिट्स में आता है, वो उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगी, उनमें रेस्पिरेशन होगी उनकी स्किन की हेल्प से, मतलब कि क्यूटिकल की हेल्प से। याद रखना अर्थवर्म की स्किन ऐसे मॉइस सी, चिपकी चिपकी सी होती है, उसकी स्किन को देख के याद रखना कि ये उस स्किन से क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगी आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स मतलब क्या, इंसेक्ट्स की जब मैं बात करूँगी, इंसेक्ट्स के पास क्या होता है ना, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। ये ट्रैकियल ट्यूब्स से वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एयर लेते हैं। उसके बाद अगर मैं आर्थ्रोपोड्स में ही पानी में रहने वाले, मतलब कि आर्थ्रोपोड्स की, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करूं, जिनको हम क्रस्टेशियंस भी बोलते हैं, ये कैसे रेस्पायर करते हैं, ये गिल से रेस्पायर करते हैं। मोलस्क जो होते हैं, वो मोलस्क भी क्या करते हैं, गिल से रेस्पायर करते हैं। रेस्ट जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, लंग से रेस्पायर करेंगे, मतलब कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेंगे। आर्थ्रोपोड और मोलस्का में जो रेस्पिरेशन होती है इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स मतलब कि थोड़े से हायर ऑर्गेनिजम्स। इनमें जब हम बात करेंगे फिशेस की, तो फिशेस गिल से रेस्पायर करेगी। अगर मैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स या मैमल्स की बात करूं, तो मैमल्स क्या करेंगे, लंग्स से रेस्पायर करेंगे। एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स क्या करेंगे, लंग्स से रेस्पायर करेंगे। एम्फीबियंस जो होते हैं ना, खास करके मतलब अगर मैं बात करूं एम्फीबियंस जो होते हैं, इनमें 3 मोड्स होते हैं रेस्पिरेशन के, जो कि हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब स्किन से रेस्पायर करना। अब ये बात नोट करने की है, जब ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में होंगे तब भी ये क्या करेंगे, स्किन से रेस्पायर करेंगे, मतलब कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेंगे। दूसरा क्या है, बकोफारेंजियल रेस्पिरेशन, मतलब कि गिल्स या गिल्स लाइक ऑर्गन से ये क्या करेंगे, रेस्पायर करेंगे। तीसरा क्या है, लंग्स, जो कि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होंगे वो क्या करेंगे, लंग्स से रेस्पायर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, पेयर मतलब दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जिसको हम एक्सटर्नल लेयर्स भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होंगे हमारे अपर लिप्स के ऊपर। अब ये जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं इनसे क्या होगा, ये लेट करेंगे नेजल चैम्बर की ओर, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, नेजल चैम्बर से क्या जाएगा, नेजल पैसेज में। जब हम नेजल चैम्बर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट याद करने का है, जो नेजल चैम्बर है वो किस एपिथीलियम से बना हुआ है, तो वो सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम से बना हुआ है। इसके अंदर है ना, नेजल चैम्बर के अंदर बोमन्स ग्लैंड होते हैं, यही ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं म्यूकस सीक्रेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फारिंग्स की। फारिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए। अब फारिंग्स जो है उसमें मोस्टली पीपल क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये पढ़ो आप कि फारिंग्स जो होता है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो क्या है, ओरोफारिंग्स, फिर नेजोफारिंग्स और फिर लैरिंजोफारिंग्स। नाम से ही पता चल रहा है, ओरोफारिंग्स मतलब
फारिंग्स का जो माउथ के अंदर जो फारिंग्स का पार्ट है उसको हम ओरोफारिंग्स बोलेंगे. नेजोफारिंग्स मतलब नोज के अंदर जो फारिंग्स का पार्ट है उसको नेजोफारिंग्स बोलेंगे. और लेरिंजोफारिंग्स मतलब लारिंग्स के अंदर. लारिंग्स क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स होता है. किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है. इसके अंदर है ना कुछ वॉइस कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं और साउंड को प्रोड्यूस करती हैं. अब याद रखने वाली बात क्या है, ये जो वॉइस कॉर्ड होती है ना ये कार्टिलेज से बनी होती है. कौन से कार्टिलेज से? हाइलाइन कार्टिलेज से. अब ये हाइलाइन कार्टिलेज की एक खास बात है, अगर इसको टेस्टोस्टेरोन मिल गया ना तो ये क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन की इन्फ्लुएंस में ज़्यादा ग्रो करेगा. यही रीज़न है कि प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, मेल्स की जो वॉइस होती है वो हैवी होती है. उसके बाद क्या है, हमने बात की फारिंग्स की. फारिंग्स एक कॉमन पैसेज है एयर और फूड का. अब ये फारिंग्स ओपन हो रहा है सीधा ट्रैकिया में, किसके थ्रू? बीच में क्या आएगा, लारिंग्स आएगा, जिसको हमने क्या बोला है, वॉइस बॉक्स बोला है. एक बात याद करने की है कि फारिंग्स में हमारा ईसोफेगस भी प्रेजेंट है, मतलब कि फूड पाइप भी प्रेजेंट है, और हमारी एयर पाइप मतलब कि लारिंग्स भी प्रेजेंट है. अब जब हम मतलब कि ऐसा क्यों कहते हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाते टाइम बोलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये जो खाना है हमारा ये एयर पाइप के अंदर जा सकता है और चोकिंग हो सकती है. इसीलिए क्या होता है, जो एयर पाइप है मतलब कि लारिंग्स है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं. अब जब भी हम फूड एनगल्फ कर रहे होंगे, फूड ईसोफेगस में जा रहा होगा, तो ये ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इसको कवर कर लेगा. इस कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस बोलेंगे. तो मतलब मेरा कहने का क्या है, खाना खाते टाइम एपिग्लोटिस क्या करेगा, ग्लोटिस को कवर कर लेगा, जिससे क्या हो कि एयर पाइप में फूड ना जाए और चोकिंग ना हो. ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ये फारिंग सीधा खुलता है ट्रैकिया में. तो ट्रैकिया यहाँ पर क्या है, ठीक है, ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि हमारी क्या जा रही है, थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड हो रही है. अब ये ट्रैकिया की दो खास बातें याद रखनी है, एक तो इस ट्रैकिया के अंदर है ना रिंग्स प्रेजेंट होंगी. ये जो रिंग्स होंगी ये क्या करेंगी, ये ट्रैकिया को हेल्प करेंगी ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो. अब मान लो अगर ये ट्रैकिया के अंदर रिंग्स ना होती, ये सिंपल एक ट्यूब होती, एयर यहाँ से चली गई, अब क्या ये क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा. तो ये रिंग्स क्या करती हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है. ठीक है, अब ये ट्रैकिया क्या करेगा ना, ट्रैकिया क्या करेगा, ये स्ट्रेट ट्यूब है, ये फिफ्थ वर्टीब्रे कॉलम में आ गए, ऐसे यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, हमारे वर्टीब्रे प्रेजेंट होंगे, सॉरी वर्टीब्रे कॉलम नहीं, वर्टीब्रे प्रेजेंट होंगी. ये वर्टीब्रे क्या, फिफ्थ वर्टीब्रे जो होगा ना वहाँ पर ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जिसको हम राइट लंग भी बोल सकते हैं, और एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई जिसको हम लेफ्ट लंग भी बोल सकते हैं. अब ये देखो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ठीक है, ये आगे डिवाइड हो रही है सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स में. ये सेकेंडरी ब्रोंक्योल्स देखो इधर डिवाइड हो रहे हैं टर्शरी ब्रोंक्योल्स में, और टर्शरी ब्रोंक्योल्स लास्ट में कहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, एक गोल गोल से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो रहे हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो रहे हैं. इन ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं. ये एल्वियोलाई क्या है, हाईली वस्कुलराइज बैक लाइक स्ट्रक्चर है. वस्कुलराइज मतलब इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होंगी. यहाँ तक समझ आ गया. अब देखो क्या है कि ये जो हमारा लेफ्ट लंग है या राइट लंग है इसमें है ना कुछ फीजर्स प्रेजेंट होंगे. एक तो क्या है, हॉरिजॉन्टल फीजर, और एक क्या है, ओब्लीक फीजर. मतलब जो राइट लंग होगा ना उसमें दो फीजर प्रेजेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल फीजर और एक होगा ओब्लीक फीजर. अब देखो दो फीजर प्रेजेंट है तो इसने लंग्स को राइट लंग को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3rd पार्ट. फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम सुपीरियर लोब्स बोलेंगे, और सेकंड जो होगा मिडल लोब, जो लास्ट में होगा वो उसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले लोब को इन्फीरियर लोब. ऐसे ही जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग जो है ना हमारा वो थोड़ा सा राइट लंग से छोटा होता है, क्योंकि हार्ट की जो जगह है यहाँ पर हार्ट थोड़ा सा अकोमोडेट होता है इसीलिए. और सेकंड चीज क्या है कि ये जो लेफ्ट लोब होगा ना इसके अंदर सिर्फ एक ही फीजर प्रेजेंट होगा जिसको हम ओब्लीक फीजर बोलेंगे. ठीक है, अब ये ओब्लीक फीजर लेफ्ट लंग को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक तो सुपीरियर लोब और एक क्या है, इन्फीरियर लोब. आ जाओ अब आगे हम बात करेंगे. उसके अलावा हम क्या बात करेंगे कि हमारे पास क्या है, दो लंग्स हैं. अब ये जो लंग्स है ना ये जो लंग्स हैं ये एक मेम्ब्रेन से, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है उससे क्या होते हैं, कवर होते हैं. इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं प्लूरा.
ये प्लूरा क्या होगी, डबल लेयर है, मतलब एक क्या होगी आउटर प्लूरा और एक क्या होगी इनर प्लूरा, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होंगे। अब हमें एक बात पता है कि ये जो लंग्स हैं ये क्या है, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम, डायफ्राम किससे बना होता है, एक मसल से बना होता है, बहुत सारी मसल से बना होता है। डायफ्राम को हम फ्रेनिक मसल्स भी बोल देते हैं क्योंकि ये फ्रेनिक मसल से बना होता है। ये डायफ्राम क्या करता है ना, ये थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से। तो लंग्स क्या है, दो लंग्स हैं हमारे पास, वो थोरेसिक कैविटी में पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये लंग्स मैंने क्या कहा है, ये प्लूरा से कवर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे क्या हैं, दो लंग्स प्रेजेंट हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, और मैंने कहा है कि ये प्लूरा से कवर है, मतलब। और प्लूरा क्या है, डबल लेयर है, एक तो क्या होगी इनर लेयर और एक क्या होगी आउटर लेयर, मतलब जो इनर लेयर है वो किसके कॉन्टैक्ट में आ रही है, वो लंग्स के कॉन्टैक्ट में आ रही है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ वो एल्वियोलाई के कॉन्टैक्ट में आ रही है। और जो आउटर लेयर है वो किसके कॉन्टैक्ट में आ रही है, क्योंकि ये लंग्स थोरेसिक कैविटी में पड़े हैं, तो वो किसके कॉन्टैक्ट में आ रही है, थोरेसिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में आ रही है। तो हमने प्लूरा के बारे में पढ़ लिया, आउटर प्लूरा थोरेसिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में आएगी और इनर प्लूरा एल्वियोलाई के कॉन्टैक्ट में आएगी। आउटर प्लूरा को हम पैराइटल प्लूरा भी बोलते हैं और इनर प्लूरा को हम विस्कुलर प्लूरा भी बोलते हैं। तो एक बार हम इस डायग्राम से जितना भी हमने पढ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। एपिग्लोटिस का फंक्शन मैंने बता दिया, ग्लोटिस को कवर करेगा। लारेंक्स क्या होगा, वॉइस बॉक्स होगा, कार्टिलेज से बना हुआ है। उसके बाद हमारा क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, इसके अंदर कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट है ताकि ये कोलैप्स ना हो। और उसके बाद क्या है हमारा, प्लूरल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है, डबल है, दो लेयर हैं, आउटर प्लूरल जिसको हम, जो थोरेसिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में होगी जिसको पैराइटल प्लूरा भी बोलते हैं, और इनर प्लूरा जो क्या है एल्वियोलाई के कॉन्टैक्ट में होगी जिसको हम विस्कुलर प्लूरा भी बोलेंगे, ठीक है। ये हमने बात कर ली। ये ट्रैकिया क्या होगा, ये T5 में आके, मतलब कि T5 या फिर फिफ्थ वर्टिब्रे पे आके डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकाइज में, मतलब राइट और लेफ्ट लंग में। ये प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है, ये आगे जाके और डिवाइड हो रहा है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो रही है टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई लास्ट में क्या आ रही है एल्वियोलाई, एल्वियोली क्या है वास्कुलराइज बैग है जहाँ पर गैसेस क्या होंगी एक्सचेंज होंगी, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, हमें क्लियर हो गया है सब। अब हम आगे चलते हैं, आगे जब हम बात करेंगे ना, हम अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ना उसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो मेरा क्या होगा, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग मतलब कोई चीज़ कंडक्ट हो रही है, मतलब कि इस पार्ट में क्या होगा ना, सिर्फ एयर आ रही है और एयर जा रही है। और दूसरा मेरा क्या होगा, एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट, जहाँ पर क्या हो रही है एक्सचेंज, एयर का क्या हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है। तो जब मैंने आपको क्या बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, मतलब कि जिसको हम एक्सटर्नल लेयर्स भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल लेयर्स के बाद हमारा क्या आ गया, नेज़ल चैम्बर आ गया। नेज़ल चैम्बर के बाद हमारा क्या आ गया, नेज़ल पैसेज आ गया, ठीक है। नेज़ल पैसेज के बाद हमने फारेंक्स की बात की थी। फारेंक्स किस में खुल रहा है, आगे जाके ट्रैकिया में खुल रहा है, तो मैं यहाँ ट्रैकिया लिख सकती हूँ। ये ट्रैकिया मैंने क्या कहा था, ये डिवाइड हो रहा है ना, किस में डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई में, मतलब कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। उसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल में, फिर ये क्या हो रहा है टर्शरी ब्रोंकियोल में। तो ये जो एक्सटर्नल लेयर से लेके टर्शरी ब्रोंकाई तक का जो सफ़र है, यहाँ पर कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक पैसेज है कि जहाँ से एयर जा रही है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोल देंगे कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टूड है। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाई तक हमारा जो पार्ट है वो कंडक्टिंग पार्ट है। अब इस दौरान क्या होगा, तीन काम होंगे। एक तो जो एयर हम अंदर ले रहे हैं वो फिल्टर होगी, हमें पता है नोज़ में हमारे क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होगा, एयर की ह्यूमिडिफिकेशन होगी। और तीसरा क्या है, जो एयर हम बॉडी में ले रहे हैं वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर जितना हो जाएगा। ह्यूमिडिफिकेशन होगी मतलब एयर में क्या होंगे, वाटर वेपर्स ऐड होंगे, ठीक है। ये तो था हमारा कंडक्टिंग पार्ट। दूसरा हम बात कर रहे थे एक्सचेंज पार्ट की। तो एक्सचेंज पार्ट में क्या हो रहा है, एक्सचेंज पार्ट में एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, ये गैसेस मतलब CO2 और O2 क्या हो रही हैं, चेंज एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, हम बात करेंगे कि ये जो लंग्स हैं हमारे, ये एक थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है, एक थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि एक एयर टाइट कैविटी है।
एयर टाइट कैविटी का मेरा क्या मतलब है, अगर मैं इस थोरैसिक कैविटी में एक पिन से पंक्चर कर दूँ तो ये एयर टाइट नहीं रहेगा और लंग्स जो हैं वो अपना फंक्शन करना बंद कर देंगे। अब ये जो थोरैसिक कैविटी है ये बनी कैसे है, ये ध्यान से देखो, ये जो थोरैसिक कैविटी है ये कैसे बनी है। तो ये थोरैसिक कैविटी थ्री साइड से बनी है, डोर्सल मतलब कि जो हमारा क्या होगा पिछला साइड होगा, मतलब बैकबोन वाला साइड होगा, मतलब वर्टिबल वाला कॉलम वाला साइड होगा। तो डोर्सल साइड से बैकबोन या जो वर्टिबल कॉलम है, वेंट्रल साइड से मतलब आगे की साइड से स्टर्नम, और साइड से मतलब लेटरली क्या होंगे रिब्स मिलकर क्या बना रहे हैं, थोरैसिक कैविटी बना रहे हैं। दोबारा सुन लो, बैक साइड से मतलब कि डोर्सल साइड से क्या आ रहा है वर्टिबल कॉलम, ठीक है, फ्रंट साइड से मतलब कि वेंट्रल साइड से क्या आ रहा है स्टर्नम, उसके बाद साइड्स पे से क्या आ रहे हैं रिब्स, और नीचे क्या है डायफ्राम। तो ये सारा मिलके क्या बना रहे हैं, एक थोरैसिक चैम्बर बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या मतलब है कि कोई भी चेंज, मतलब एयर की वॉल्यूम में कोई भी चेंज जो थोरैसिक कैविटी में होगा वो क्या होगा, वही चेंज क्या होगा लंग्स के अंदर होगा। मतलब हम ब्रीथिंग जब करते हैं हम लंग्स को या लंग्स की वॉल्यूम को या पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ये थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम है, थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम है जो चेंज हो रही है, और उसका इफेक्ट क्या दिख रहा है पल्मोनरी पे दिख रहा है, लंग्स पे दिख रहा है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन जब होती है ना, तो रेस्पिरेशन में क्या है थ्री फॉलोइंग स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के। पहला तो क्या है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग लिखा आ जाए चाहे एमसीक्यू में या क्वेश्चन में कहीं पर भी पल्मोनरी वेंटिलेशन लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों क्या है सेम ही चीज़ है, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है सेम चीज़ है। मतलब कि क्या है कि हम एयर को अंदर ले रहे हैं और CO2 को हम एल्वियोली के थ्रू क्या कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूज़न होगा, मतलब O2 और CO2 क्या होंगे एक्सचेंज होंगे। तीसरा क्या है, अब ये गैसेस जो एक्सचेंज हुई हैं ये ब्लड में मिक्स होकर क्या जाएंगी टिश्यूज़ के पास जाएंगी, टिश्यूज़ क्या करेंगे इस O2 को यूटिलाइज करेंगे किस में, जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, और जो CO2 होगी वो क्या हो जाएगी बाहर बॉडी से निकल जाएगी। O2 का क्या काम है, वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब फूड को तोड़ेगा ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा और इसको हम बहुत अच्छी तरह करेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब हमने बात कर ली, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ब्रीथिंग के बारे में बात कर ली, ठीक है, हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। उसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर की बात कर ली, हमने सब देख लिया ये, ठीक है, इनके फंक्शंस देख लिए। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो दो पैसेज होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट या फिर और दूसरा क्या है एक्सचेंज पार्ट, उसके बारे में बात कर लिया। रेस्पिरेशन में क्या फॉलोइंग स्टेप्स है हमने उसके बारे में बात कर लिया। थोरैसिक चैम्बर कैसे बना उसके बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे ब्रीथिंग के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। तो मैंने आपको बताया ब्रीथिंग का मतलब क्या है, हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पायर हम क्या कर रहे हैं एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, O2 जो है मतलब O2 जो एयर है उसको इंस्पायर कर रहे हैं, और हम एक्सपायर क्या कर रहे हैं बाहर क्या निकाल रहे हैं CO2 निकाल रहे हैं। तो जब हम इस एक्सचेंज की बात करेंगे ये एक्सचेंज कैसे हो रहा है, तो हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि जो एयर है ना वो हमेशा ट्रैवल करेगी हाइयर प्रेशर वाले रीजन से लोअर प्रेशर वाले रीजन में, मतलब एयर का जो ट्रैवल है वो कैसे होगा हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर। दूसरा, आपने केमिस्ट्री में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी PV इज इक्वल टू NRT, मतलब जब ये चीज़ें क्या हो जाएंगी कांस्टेंट हो जाएगी तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या होगी घटेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, सबसे पहले मैं बात और इसमें एक तो हम ये दो लॉ की बात कर रहे हैं और दूसरा हम क्या करेंगे कुछ मसल्स की बात करेंगे, जो मसल्स मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हैं वो हैं डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। धीरे धीरे अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इंस्पिरेशन की बात करूँगी, मैंने क्या बोला है कि इंस्पिरेशन मतलब O2 हम अंदर ले रहे हैं, और मैंने एक और बात की है जब भी गैसेस की डिफ्यूज़न होगी वो क्या होगी हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर में डिफ्यूज़न होगी। तो मतलब कि अगर मुझे O2 अंदर चाहिए है तो मतलब बॉडी में O2 की जो मात्रा होगी वो कम होगी, और जो बाहर एटमॉस्फेयर में है एयर है उसमें O2 क्या होगी ज़्यादा होगी, तभी तो क्या होगी O2 अंदर आएगी ना। तो जब मैं इंस्पिरेशन की बात करूँगी तो O2 का जो प्रेशर होगा वो कम होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा प्रेशर क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, मतलब अगर प्रेशर इंस्पिरेशन के टाइम पे अंदर कम है तो वॉल्यूम क्या होगी ज़्यादा होगी।
अब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है? अब जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे वैसे आप करते रहना। आप एक बार क्या करो, सांस लो, गहरी सांस लो। आपको महसूस होगा कि कुछ है ना ऊपर की तरफ आ रहा है। जो ऊपर की तरफ आ रहा है ना उसको हम क्या बोलेंगे, डायफ्राम बोलेंगे। मतलब कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आता है तो ये मतलब क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इससे क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम है वो इनक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, मैंने कहा थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इनक्रीज हुई। दूसरा क्या है, दोबारा से सांस लेकर देखो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है और कुछ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, हमारी जो रिब्स होती है ना, रिब्स, इनके अंदर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये डायग्राम देखो, ये जो रिब्स है ना, यहाँ पर अंदर हर जगह कुछ मसल्स प्रेजेंट है जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ये जो इंटरकोस्टल मसल है ना, ये दो टाइप की है, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ये याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ कि एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स यूज़ होंगी। एक में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ होंगी और एक में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ होंगी। तो इंस्पिरेशन में मैंने क्या बोला, अंदर क्या होगा, O2 का प्रेशर जो है वो कम होगा। अब O2 का प्रेशर कम होगा तो हमें O2 का प्रेशर हम अंदर कम कैसे करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ा के। वॉल्यूम को जब हमने बढ़ाना है तो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या होगा। सांस लेकर देखो, कुछ ऊपर जा रहा है। मैंने क्या कहा है, ये डायफ्राम है जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूँ तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एंटीरियर है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो पोस्टीरियर है। मतलब कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर की तरफ आया, तो ये जो नीचे थोरेसिक कैविटी है इसमें ऊपर और नीचे की साइड से क्या हुई, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। मतलब कि वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज हुई, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज होगी। दूसरा क्या है, सांस जब आप ले रहे हो, एक तो डायफ्राम ऊपर आ रहा है और दूसरा ऐसे लग रहा है कि रिब्स जो हैं बाहर की तरफ आ रही हैं। तो ये जो रिब्स और या फिर रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आ रही है ना, तो इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज़ हो रही हैं। करके देखो, कुछ बाहर की तरफ आ रहा है, क्या बाहर की तरफ, बाहर से हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। तो मतलब क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा, डायफ्राम ऊपर आ रहा है तो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कैसे चेंज होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में चेंज होगी। और रिब्स और स्टर्नम क्या जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम कैसे चेंज होगी, इस एक्सिस में चेंज होगी ना। तो इसको मैं क्या कह दूंगी कि डोर्सो वेंट्रली ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया इंस्पिरेशन का। एक बार दोबारा से फिर से फटाफट से रिवीजन कर लो। इंस्पिरेशन मतलब बाहर O2 क्या है, ज़्यादा है O2 का प्रेशर, और अंदर क्या है, कम है। तो O2 क्या आएगी, अंदर आएगी। अब मैंने क्या कहा, प्रेशर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो प्रेशर जब डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे होगी, सांस लेकर देखो बार बार। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है तो हमें ऐसे लग रहा है जब हम सांस लेते हैं अंदर कि कुछ ऊपर जा रहा है। ये जो ऊपर जा रहा है ये क्या जा रहा है, ये डायफ्राम ऊपर जा रहा है। अब डायफ्राम ऊपर जा रहा है मतलब क्या है, थोरेसिक चैम्बर का की वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है, एंटीरियर पोस्टीरियर से एक्सिस पे चेंज हो रही है। और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, मतलब लिफ्ट हो रही है रिब्स और स्टर्नम। तो यहाँ से भी क्या है, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। और कैसे इंक्रीज़ हो रही है, ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। हमने इंस्पिरेशन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन की बात जब हम करेंगे, मतलब हमने CO2 बॉडी से रिमूव करनी है, मतलब एयर बॉडी के अंदर से क्या जाएगी, बाहर जाएगी। कैसे जाएगी, एल्वियोली से क्या जाएगी, लंग से क्या जाएगी, बाहर जाएगी। तो मतलब एयर बाहर कब जाएगी, CO2 बाहर कब जाएगी, जब CO2 का प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा होगा और बाहर कम होगा। अब अगर मुझे लंग्स में CO2 का प्रेशर ज़्यादा करना है तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। वॉल्यूम डिक्रीज़ कैसे होगी, सांस एक बार अंदर लो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, बाहर लो, बाहर छोड़ो सांस, तो ऐसे लगेगा ना कुछ रिलैक्स हो रहा है। तो ये जो रिलैक्स हो रहा है ना, ये डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। और मसल्स कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। ये डायग्राम से देखो, ये डायग्राम है हमारा एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन में मुझे एयर लंग से बाहर भेजनी है, तो अंदर क्या होगा, एयर का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रेशर मतलब अंदर CO2 का ज़्यादा होगा, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। तो अंदर मतलब CO2 का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा।
ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी की डिक्रीज होगी, मतलब रिब्स और स्टर्नम जो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे इंस्पिरेशन के टाइम पे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाएंगे, डायफ्राम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर क्या है वापस आ गया, तो वॉल्यूम क्या है डिक्रीज हो गई है, प्रेशर इंक्रीज हो गया है, तो एयर लंग से आउटसाइड चली जाएगी। इस डायग्राम को इस इंस्पिरेशन वाले डायग्राम से कंपेयर करके देखो, एयर ने अंदर आना है, अंदर आना है तो मतलब बाहर उसकी उसका जो प्रेशर होगा ज़्यादा होगा और अंदर क्या होगा प्रेशर उसका कम होगा, मतलब प्रेशर मुझे अंदर कम करना है तो वॉल्यूम क्या होगी इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगी, ये रिब्स और स्टर्नम डोर्सो वेंट्रली एक्सिस में क्या होंगे बाहर की तरफ आएंगे, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होंगी, और डायफ्राम क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब ऊपर की साइड आएगा ताकि ये जो नीचे थोरेसिक कैविटी है इसके अंदर की क्या हो वॉल्यूम क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए और एयर क्या आ जाएगी अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम जो एयर इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं उसको हम इंक्रीज कर सकें। अब एक एक पॉइंट से ज़्यादा अगर हमें उसे इंक्रीज करना है तो हमें एब्डोमिनल मसल्स भी साथ में यूज़ करनी पड़ेंगी। ऑन एन एवरेज क्या होगा एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स क्या बींग जो होगा वो एक मिनट में 12 से 16 टाइम क्या करेगा ब्रीथ करेगा। ठीक है, और ये जो एयर है इसको अगर हमें मेजर करना है कि हमने एक मिनट में कितनी एयर को इनहेल किया है तो वो किससे मेजर करेंगे हम स्पायरोमीटर से। थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।